हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सभी फिट होंगे। प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3E स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 3 का लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम लोग कुछ पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, अलग अलग पार्ट में इस वीडियो को बना करके यानी एक्सरसाइज को कम्प्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज में मैं बहुत सारे नोट्स भी आपके लिए बनाऊंगा और वो नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो वहाँ से आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ बनाए हैं ना, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैप्टर के बाद जब ये चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि कई बार बच्चे कमेंट कर रहे हैं मुझे कि सर पहले ट्रिग्नोमेट्री करा दीजिए, क्योंकि वो पहले आपने पढ़ा नहीं है, वो थोड़ा सा न्यू है आपके लिए। तो वो भी मैं बहुत जल्दी आप लोग को, बस ये वाला एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला एक्सरसाइज और पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पर हमसे बोल रहा है पहले क्वेश्चन में कि 5 चेयर एंड 4 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट 5,600, यानी 5 चेयर और अगर 4 टेबल ले रहे हैं दोनों को मिला करके तो इतना रुपए पड़ रहा है। जबकि अगर हम लोग 4 चेयर लें और 3 टेबल्स लें तो हमें केवल 4,340 देना पड़ रहा है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड दैट ऑफ अ टेबल, यानी कि आपको एक चेयर का और एक टेबल का कॉस्ट यहाँ पर बताना है। तो ये सब क्वेश्चन आपने क्लास 8 में ही सीख लिया कैसे सॉल्व करना रहता है। बस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे और फटाफट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। मेन रहेगा आपका यहाँ पर क्या बोलते हैं इसमें एक्सप्रेशन बनाना, यानी कि इक्वेशन बनाना। अगर आपने इक्वेशन बना लिया तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे फिर। तो देखो, सबसे पहले आप लोग जैसे बेसिक आपने क्लास 7-8 में किया है ना, वही काम करेंगे। मान लेंगे कि एक चेयर का जो कॉस्ट है वो एक्स रुपी है और एक टेबल का कॉस्ट वाई रुपी है। अब हम लोग आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमको क्या क्या चीज़ें कही गई है। पहले कहा गया था कि अगर हम लोग 5 चेयर लेते हैं और 4 टेबल लेते हैं, तो देखो एक चेयर का कॉस्ट एक्स रुपी है, तो 5 चेयर का कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे 5 चेयर का कॉस्ट 5x प्लस में 4 टेबल का कॉस्ट 4y, क्योंकि एक चेयर टेबल का कॉस्ट वाई रुपी है तो 4 का 4y हो जाएगा। तो दोनों को मिला कर ले रहे हैं ना, तो हमको कितना रुपये देना पड़ रहा है, हमको देना पड़ रहा था 5,600 रुपी। दूसरा चीज़ हमको बोला गया था कि अगर हम लोग 4 चेयर लेते हैं यानी कि 4x लेते हैं और उसमें प्लस कर देते हैं 3 टेबल का कॉस्ट यानी कि 3y कर देते हैं, तो दोनों का कॉस्ट टोटल कितना हो जा रहा था, कितना बोला था वहाँ पर 4,340। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 4,340 रुपी। ठीक है, अब ये हमको इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। आपको जो मैंने मेथड्स पहले सिखाए हैं, तो उसमें सबसे ईजी मेथड कौन सा था, एलिमिनेशन मेथड था। तो हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन को कोशिश करेंगे एलिमिनेशन मेथड से बनाने का। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना पड़ता है कि जैसे यहां पर या तो y को कट कर दो या तो x को कट करो। तो y को कट करने के लिए दोनों इक्वल होना जरूरी है, लेकिन यहां तो 4 है और यहां 3 है, तो हम क्या करेंगे 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, यानी कि हम लोग y को 12 बना सकते हैं दोनों जगह पर। तो यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में इसको ऐसे लिखेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। इक्वेशन 1 का हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड कॉमा करके इक्वेशन नंबर 2 बाय 4। इक्वेशन नंबर जो हमारा इक्वेशन में जो हमारा 2 है उसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 12 बन जाएगा और इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 12 बन जाएगा। फिर दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि केवल इसमें ही हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है ना, अगर हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं यानी कि पूरे पार्ट में करना है, इधर भी हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना, और इसमें हमको पूरे में 4 से करना पड़ेगा। तो जब हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जाइए हो जाएगा हमारा 15x प्लस में 4 3 जाए 12y हो जाएगा, और इक्वल की साइड में 56 का अगर अपन 3 टाइम टेबल पढ़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18 का 8 कैरी हो गया 1, 5 3 जा 15 और 1 16, यानी 168 आ गया और 2 0 उतार दो, यानी कि 16,800 आ जाएगा इधर। ये हम लोग ले लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इसमें हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जाइए मेरा 16x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लेकिन 5 3 जा 15 हुआ, ये हमारा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग को मेन लाना है। 3 4 जा हमारे पास 12y हो जाएगा, और इधर भी हम लोग अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड में रफली मल्टीप्लाई कर लो, एग्जाम में आएगा तो ऐसे साइड में एक लाइन बना करके मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखना। ठीक है, एकदम नीटली काम करना। 4 4 जा 16 का 6 कैरी हो गया 1, 4 3 जा 12 और 1 13 का 3 कैरी हो गया 1, 4 4 जा 16 और 1 17, तो ये आ गया 173600, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि दोनों में प्लस की साइन है, तो अगर हम लोग माइनस करेंगे तब जाकर ये आपस में कट होगा। तो ये हमारा जब माइनस करेंगे तो 16x भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस 12y भी माइनस में हो जाएगा और ये नंबर भी माइनस में हो जाएगा। तो पहले तो ये प्लस और माइनस को मैं कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ 16 में से 15 माइनस होगा तो 1x आ जाएगा, और बड़े नंबर माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लगा दो। इक्वल की साइड में भी इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 0 से 0 माइनस होगा 0 आएगा, फिर 0 से 0 0 आ गया, 6 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, बोरो करके 16 बनेगा, 16 में से हमारा 8 माइनस होगा तो 8 आ जाएगा। उसके बाद अब 3 में से 5 माइनस नहीं
एक सेकेंड ना, यहाँ पर टू बचा है ना, हम लोग इसको मैं उल्टा माइनस कर रहा हूँ तो कन्फ्यूजन हो जा रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर टू बचा है क्योंकि इसको हम लोग ऊपर से ऐसे माइनस कर रहे हैं, तो टू में से हमारा सिक्स माइनस नहीं हो सकता, बोरो करके ट्वेल्व बनेगा, ट्वेल्व में से सिक्स माइनस होगा तो सिक्स आ जाएगा, उसके बाद अब यहाँ पर सिक्स बचा है, सिक्स में से हमारे पास वन माइनस होगा तो आ जाएगा हमारे पास फिर से सिक्स, और ये वन बच जाएगा। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ इसलिए लग रहा है क्योंकि इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा, मैंने कहीं पर कुछ मल्टीप्लाई वगैरह में मिस्टेक किया है क्या बच्चों? अच्छा, मल्टीप्लाई मिस्टेक ये किया है कि यहाँ पर एक जीरो था, मैंने यहाँ गलती से दो जीरो लगा दिया, होता है होता है, टीचर से भी गड़बड़ हो जाता है। चलो यहाँ पर एक जीरो होगा, इसको मैं अच्छे से लिखी के यहाँ पर सबट्रैक्ट कर देता हूँ ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए कि मैं कैसे सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। और फिर आगे वाले जो हम लोग क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है इसीलिए मैं डिटेल में सबट्रैक्ट वगैरह कर रहा हूँ, नहीं तो मैं जानता हूँ आपको सबट्रैक्ट करना आता है, आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग सबट्रैक्ट वगैरह नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ये जगह जीरो, ये हो गया सिक्स, थर्टीन में से एट माइनस होगा तो हो गया फाइव, ये सिक्स में सिक्स माइनस होगा जीरो, और ये भी जीरो आ गया, यानी कि 560 हो जाएगा। तो इस साइड हम लोग लिख लेते हैं 560, तो यहाँ पर ये भी हमारे पास माइनस के साथ रहेगा क्योंकि बड़े नंबर माइनस की साइन है, माइनस से माइनस को कैंसिल कर लो तो एक्स का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा हमारा 560, यानी कि जो कॉस्ट है ना एक टेबल का, सॉरी एक चेयर का, एक्स हमने चेयर को माना था ना, तो एक चेयर का कॉस्ट एक्स रुपी था और एक्स का वैल्यू 560 निकल गया, तो एक हमारा कॉस्ट निकल गया। अब दूसरा हम लोग क्या करेंगे, कहीं पर भी हम लोग एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देता हूँ, तो इसमें मैं लिखूंगा कि एक्स इक्वल टू 560 इन इक्वेशन नंबर वन, यहाँ पर आप लोग पुट वगैरह भी लिख सकते हो कि हम लोग पुट कर रहे हैं एक्स का वैल्यू, तो हमारे पास 5 × 560 हो जाएगा क्योंकि 5x है, उसके बाद प्लस में 4 × y है तो 4y लिख लो, इक्वल के साइड में 5600 जो पहले से दिया हुआ है उसको उतार लो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 हमारे पास हो जाएगा, 5 × 0 = 0 हो गया, 5 × 6 = 30 का 0 हो गया, कैरी हो गया 3, 5 × 5 = 25 और 3 हो गया हमारे पास 28, और प्लस में 4y इक्वल टू साइड में 5600, इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 5600, इधर प्लस में इधर आकर के ये माइनस में हो जाएगा, तो 56 में से 28 माइनस होगा तो 28 ही आता है, तो यहाँ पर हमारा 4y इक्वल टू 2800 हो जाएगा। तो y का वैल्यू निकालने के लिए ये हो जाएगा 2800 डिवाइड बाई में 4, क्योंकि चिपका हुआ है तो मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 7 = हमारा हो जाएगा 28, देन y इक्वल टू हो जाएगा 700। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉस्ट निकला हमारा, कॉस्ट ऑफ वन चेयर है ना इक्वल टू रुपी 560 एंड कॉस्ट ऑफ वन टेबल, एक टेबल का कॉस्ट निकल गया रुपी 700। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, पहला क्वेश्चन था इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि लिखना कैसे एग्जाम में, ठीक है। और इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं लिखना है, मैंने जो गड़बड़ी किया हड़बड़ी में वो काम आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो इसमें भी टीचर बहुत नाराज हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को अब जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट वाला भी हमारा सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है 23 स्पून एंड 17 फॉर्क्स टुगेदर कॉस्ट 1770, यानी 23 पीस चम्मच लेते हैं और 17 पीस अगर अपन फॉर्क, फॉर्क बोलते हैं वो कांटों वाला चम्मच होता है जिससे मैगी खाया जाता है, जिससे मेरे को मैगी खाने में बहुत मज़ा आता है, तो वो वाले चम्मच को फॉर्क कहा जाता है। तो यहाँ पर 23 और 17 अगर दोनों को मिला कर ले रहे हैं तो इतना आ रहा है, जबकि अगर हम लोग 17 पीस चम्मच ले रहे हैं और 23 पीस कांटा वाला चम्मच ले रहे हैं तब हमको इतना कॉस्ट देना पड़ रहा है। तो बताइए कि एक स्पून का और एक जो फॉर्क है कांटे वाले चम्मच है उसका कॉस्ट कितना होगा। तो सेम जैसे यहाँ पर बनाए थे एकदम सिमिलर बनेगा, बस नंबर अलग कर दिया गया है। तो देखो यहाँ पर भी सेम काम हम लोग कर लेंगे, लिख लेंगे वन स्पून का कॉस्ट एक्स रुपी है, वन फॉर्क का कॉस्ट वाई रुपी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 23 स्पून और 17 फॉर्क को मिला करके हमको इतना रुपी देना पड़ रहा था और 17 स्पून 23 फॉर्क मिला करके हमें इतना रुपी देना पड़ रहा था। ये इक्वेशन वन बन गया, ये टू बन गया। अब यहाँ पर ध्यान दो कि जो नंबर है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, 17 और 23 दिया हुआ है, इनका एलसीएम निकालने जाओगे तो बहुत बड़ा नंबर निकल करके आ जाएगा, तो उसमें आप कन्फ्यूज हो जाओगे, यानी कि टाइम ज़्यादा लगेगा। इसीलिए मैंने आपको जब स्टार्टिंग किया था ना चैप्टर तो मैंने आपको दोनों मेथड सिखाया, मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड भी सिखाया और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सिखाया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको आसान तरीके से बनाएंगे, जो भी मेथड ईजी रहेगा मैं आपको उस मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो मेरे हिसाब से इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड ज्यादा इजी है। देखो कैसे इजी है, हम लोग यहां पर ऐड करेंगे, यानी कि इक्वेशन वन को एंड टू को ऐड करके हम लोग यहां सॉल्व करेंगे। तो यहां जब दोनों को ऐड करेंगे तो 23 और 17 मिलकर के 40x हो जाएगा, और उसके बाद 17 और 23 यहां पर भी हमारे पास 40y हो जाएगा। इक्वल के इस साइड में हमारे पास कितना है भैया, तो 0 0 0, 7 3 10 का 0, कैरी हो जाएगा 1, 8 और 7 हमारे पास हो जाएगा कितना 15, 15 और 1 16 का 6, कैरी हो गया 1, तो ये हो जाएगा 3, इतना आ गया राइट साइड में। अब हमारे पास देखो कॉमन मिल रहा है 40 40, उस 40 को यहाँ पर कॉमन लेकर के एक्स प्लस वाई लिखो और इक्वल के साइड में 360 के पास इसको ट्रांसफर करो। तो 40 जब इधर ट्रांसफर होगा तो एक्स प्लस वाई, देखो यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, कॉमन लिया है यानी कि मल्टीप्लाई की साइन
है, तो इधर आकर के 360 से क्या हो जाएगा, 40 डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 9 जा 36 हो जाएगा और ये 0 उतर जाएगा, यानी x plus y equal to 90 आ जाएगा। समझे ना ये कैसे मैंने सॉल्व किया, 40 को मैंने अपने माइंड में यहाँ पर ट्रांसफर किया और कट करके 90 ले आया। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बना है, छोटा सा इक्वेशन, इसको ले लो आप लोग इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर आप लोग लिखो सब्ट्रैक्टिंग, किसी को भी किसी से माइनस कर सकते हो इक्वेशन, है ना, मैं ऊपर से ही ऐसे माइनस करता हूँ क्योंकि, अच्छा नीचे से ऊपर माइनस करता हूँ क्योंकि बड़े नंबर मेरे पास नीचे में है ना, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि 1 को 2 में से माइनस करूँगा, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, है ना, इक्वेशन नंबर 2 से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास पहले तो देखो 17x, मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, 17x में से 23x माइनस होगा, उसी तरीके से नीचे जो मेरे पास 23y है उसमें से माइनस होगा 17y, उसके बाद इधर हमारे पास 1830 में से माइनस हो जाएगा 1770, तो ये माइनस होगा तो माइनस में 5x आ जाएगा, इधर हमारे पास प्लस माइनस फिर होगा लेकिन इस बार प्लस में 5y आएगा क्योंकि बड़े नंबर में हमारे पास प्लस की, अच्छा 5 कहाँ यार, 3 और 3 6 होगा, 6x होगा और 6y हो जाएगा, इक्वल की साइड में हमारे पास माइनस करेंगे तो 0 से 0 माइनस होगा 0, 3 में से 7 माइनस माइनस हो सकता है, बारो करके 13 बन जाएगा, 13 में से 7 माइनस होगा तो फिर 6 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास यहाँ 7 में से 7 माइनस होगा तो 0, 1 में 7 माइनस होगा तो 0, यानी कि 60 आ जाएगा इस साइड में। अब हम लोग के पास दोनों में 6 कॉमन मिल रहा है तो दोनों में से आप लोग क्या करो, माइनस को बाहर निकाल लो, हाँ माइनस 6 को ही बाहर निकाल लो, लेकिन माइनस निकालने से कोई फायदा होगा क्या, होना चाहिए, अगर ना निकालूँ तो, अगर मैं इसको माइनस ही रहने दूँ तो माइनस ही रहने देता हूँ, नहीं निकालता हूँ बाहर, मैं केवल 6 को निकालता हूँ क्योंकि यहाँ पर जब मैं माइनस रखूँगा ना तो ये दोनों आपस में फटाफट कट हो जाएंगे, तो 6 को मैं बाहर निकालूंगा तो अंदर में माइनस एक्स बच जाएगा और यहाँ पर प्लस में वाई बच जाएगा, इक्वल टू साइड में 60। अब ये इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा तो मैं यहीं पर डायरेक्ट इसको कट कर देता हूँ, 6 जा 6 और 6 टेन जा 60, तो यहाँ से माइनस एक्स प्लस में वाई इक्वल टू 10 आ गया, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 4। अब 3 और 4 छोटे छोटे इक्वेशन है, दोनों को आपस में सॉल्व कर लो, तो देखो मैंने यहाँ पर इसीलिए इसको माइनस में रहने दिया क्योंकि मेरा प्लस एक्स और माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं यहां पर अब लिखूंगा ऐड इक्वेशन नंबर 3 और 4। देखो बड़ा लग रहा है कि बहुत बड़ा बन रहा है लेकिन बहुत आसान बन रहा है, अगर अभी इसी को आप एलिमिनेशन मेथड से बनाने जाते ना तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, इसीलिए आप लोगों को भले थोड़ा बड़ा लग रहा होगा लेकिन फटाफट बन जाएगा एग्जाम में। तो जब हम लोग 3 और 4 को ऐड करेंगे तो मेरे पास देखो 3 में x है उसमें ऐड हो जाएगा माइनस x, उसके बाद फिर वहाँ पर y है उसमें ऐड हो जाएगा ये प्लस वाला y, इक्वल के राइट साइड में उधर 90 है और यहाँ पर हमारे पास 10 है, तो देखो प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा 2y हो जाएगा, इक्वल के साइड में 100 आ गया, तो y का वैल्यू निकालने के लिए 2 को ट्रांसफर करेंगे तो ये कट हो जाएगा, 2 इधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कट कर देता हूँ, 2 का टेबल में 50 टाइम पे 100 आता है, सॉरी 500 गलती से बन गया, तो y का वैल्यू यहाँ पर 50 निकल गया। अब इस y की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो, जैसे मैं इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूँ, तो y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर हमारा 3, तो वहाँ पर x प्लस वाई है तो x प्लस 50 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 90 है तो x इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 50, तो x इक्वल टू हो गया 40, यानी कि जो हमारा क्या था चम्मच था ना वो 40 रुपये का था और जो कांटे वाला चम्मच था वो 50 रुपये का था। बस इसी तरीके से आपको सॉल्व करना, लास्ट में लोग स्टेटमेंट बना करके लिख लेना, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि ए लेडी हैज़ ओनली 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन इन हर पर्स, यानी कि एक औरत के पास पर्स में 25 पैसे के कॉइन हैं और 50 पैसे के कॉइन हैं, केवल यही दो टाइप के कॉइन हैं। इफ़ सी हैज़ 50 कॉइन्स, यानी कि उसके पास टोटल जो है ना 50 कॉइन्स हैं एंड ऑल टोटलिंग रुपी 19.50, और वो जो 50 कॉइन है ना उसका टोटल जो वैल्यू है वो इतना है 19.50, तो हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज सी हैव, तो बताइए कि 25 पैसे के और 50 पैसे के उसके पास टोटल कितने कॉइन्स होंगे। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। तो देखो यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि 50 पैसे हम लोग मान लेते हैं कि उसके पास 50 पैसे के और 25 पैसे के कॉइन है ना, तो 50 पैसे के एक्स कॉइन होंगे टोटल और 25 पैसे के वाई कॉइन होंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि टोटल जो उसके पास कॉइन है 50 पैसे का और 25 पैसे का मिला करके टोटल कितना है 50 है, यानी कि एक्स में 50 पैसे का कॉइन में अगर हम लोग 25 पैसे का कॉइन को ऐड कर देते हैं तो टोटल उसके पास 50 कॉइन्स हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। दूसरे में हमसे क्या कहा है कि दोनों का जो वैल्यू निकलेगा ना वो मिला करके 19.50 निकल रहा है, तो वो वैल्यू कैसे निकालते हैं वो समझो। जैसे मान लो आपके पास 5 रुपये के और 10 रुपये के कॉइन्स हैं, तो 5 रुपये के और 10 रुपये के, मान लो आप 5 रुपये के आपके पास 3 कॉइन हैं और 10 रुपये के 2 कॉइन हैं, तो इन दोनों का टोटल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 5 रुपये के 3 कॉइन हैं तो 3 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब पता चलेगा कि 15 रुपये हैं 5-5 रुपये मिला करके। उसी तरीके से 10 रुपये के 2 कॉइन्स हैं तो 2 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब पता चलेगा कि 10 रुपये वाला 20 रुपीज़ है, फिर दोनों को प्लस करेंगे तब हमारे पास आंसर
आंसर आ गया कि 20 और 15 35 रुपये हमारे पास टोटल दोनों कॉइन मिलाकर के 35 है। तो वैसे यहाँ भी करना है, हमारे पास 50 पैसे का कितना कॉइन है, एक्स कॉइन है, तो हम लोग यहाँ पर 50 का एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी तरीके से ऐड कर देंगे 25 का वाई कॉइन है तो 25 का वाई से। अब ये देखो हमने पैसा मिल लिया, हमने इसको रुपया में कन्वर्ट नहीं किया है ना, तो हमारे पास जो अमाउंट है 19.50 उसको भी हम लोग पैसा में कन्वर्ट कर देंगे, पूरे को हम लोग पैसा में सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि डेसिमल से मुझे नफरत है थोड़ा सा, आपको भी मुझे पता है बच्चों को बहुत ज़्यादा नफरत होता है, इसलिए मैंने भी उसे नफरत करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं कि 19.5 रुपी है, इसका अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो पैसे में बदल जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल बाहर निकल जाएगा पूरा का पूरा, और ये हमारे पास 1950 पैसा हो जाएगा, तो 1950 पैसा ऐसे लिख देना, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया हमारे पास। अब दोनों को आपस में सॉल्व करो, तो क्या कर सकते हैं आसानी सॉल्व करने के लिए, फिर से हम लोग यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आसानी से काम करने के लिए ये एक्स प्लस वाई है ना, सब्स्टिट्यूशन लगा दूँ या एलिमिनेशन लगा दूँ, कौन ज़्यादा आसान? मेरे हिसाब से तो एलिमिनेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इसको मैं 50x तुरंत बना सकता हूँ, यहाँ नीचे 50x है, तो फिर x से x को कट कर लेंगे, पहले y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई, मुझे मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 1 का किससे, तो बाय 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशन 1 में मेरा 50x हो जाएगा प्लस में 50y हो जाएगा और इक्वल टू साइड में 50 पहले से, सॉरी 50 का 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास 2500 आ जाएगा, इन सभी में 50 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 3 ले लो। अब ये इक्वेशन 3 और 4 हमारा यानी 2 जो है आपस में ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जा रहा है, हमको 2 में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 50x है और यहाँ भी 50x है। 2 में कब मल्टीप्लाई करते हैं, जब हमारा काम ना बनता रहे, जैसे इसमें हमने कुछ लाया नंबर 50 लेकर के आ गया और इसमें मान लो 50 नहीं रहता, तो फिर हम लोग इसमें भी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर पहले से है तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, दोनों को आपस में सॉल्व कर दो। जैसे मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ इसको डायरेक्ट सॉल्व करने, देखो ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 50x में से माइनस हो जाएगा 50x, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास प्लस में 50y है उसमें से माइनस हो जाएगा 25y, और इक्वल के उस साइड में 2500 है उसमें से माइनस हो जाएगा 1950। तो ये तो खेल ख़त्म इसका, ये हमारे पास 25y बचेगा, इक्वल के इस साइड में हमारे पास ये 0 हो गया, 10 में से 5 माइनस होगा तो 5 आ गया, यहाँ पर अब बचेगा 4, 14 बना लेगा, 14 में से हमारे पास 9 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा, यानी कि 550 आ गया। तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 550 डिवाइड बाई 25, तो यहाँ से इसको अगर कट करें तो डायरेक्ट मेरे हिसाब से कट हो जाना चाहिए, 25 टू 50 होता है, 55 में से 50 कट होगा, बचेगा 5, वो आगे जाकर के फिर इसको 50 बना देगा, तो फिर से 25 टू 50 आ जाएगा, यानी कि y इक्वल टू 22 आ गया, यानी कि वहाँ पर 25 पैसे के जो कॉइन थे ना वो कितने थे, y थे, यानी कि 22 कॉइन्स थे। तो इसको आप लोग यहाँ पर कॉइन्स भी लिख देना, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस y का वैल्यू कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, जैसे इक्वेशन 1 छोटा सा है उसी में पुट कर देते हैं, तो यहाँ लिखो y इक्वल टू 22 इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 में हमारा x प्लस में y है तो 22 इक्वल टू 50 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस में 22, देन x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 50 में से 20 माइनस होता है तो 30, तो ये हो जाएगा 28, यानी कि हमारे पास 50 पैसे के 28 क्वाइंस थे, हमारे पास नहीं उस लेडी के पास 50 पैसे के 28 क्वाइंस हैं और 25 पैसे के 22 क्वाइंस हैं। स्टेटमेंट बना करके लास्ट में लिखना मत भूलिएगा एग्जाम में। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अब आगे का जो क्वेश्चन है वो नंबर से रिलेटेड है, जैसे फोर्थ वाले में बोल रहा है सम ऑफ टू नंबर इज 137 एंड देयर डिफरेंसेस इज 43, यानी ये दो नंबर हमारे पास है उनका सम इतना है और उनको जब माइनस कर रहे हैं डिफरेंस कर रहे हैं तो इतना आ रहा है, तो बताइए वो नंबर कितने होंगे। तो ये एकदम शॉर्ट में बनेगा, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि दो नंबर जो हमारे वो x और y है, तो यहाँ पर हम लोग को बोला है कि सम जो है दोनों नंबर का x और y का वो 137 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। दोनों का जो डिफरेंस है x माइनस y का वो 43 है, 43 बोला था ना, हाँ 43 बोला था, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। दोनों को सॉल्व कर दो, ये हमारे पास आपस में प्लस माइनस पहले से है तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर से 2x, उसके बाद प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 और 3 10 का 0 कैरी हो गया 1, 4 और 4 8 हो गया और ये 1 आ गया, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिवाइड बाई में 2, तो x इक्वल टू आ जाएगा 90, ये दोनों आपस में कट होकर 90 बना लेंगे, यानी कि वहाँ पर एक जो नंबर है वो 90 है। दूसरे नंबर को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कहीं पर भी जैसे इसमें मैं क्या करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में x का वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर लिख लो x इक्वल टू 90 इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास 90 प्लस में y इक्वल टू साइड में 137 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 137 माइनस में 90 हो गया, तो y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर से 0, 7 में से 0 माइनस होता है तो 7, 13 में से 9 माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 4, यानी कि दूसरा जो नंबर है वो 47 है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके बोल रहा है, लेकिन आराम से समझोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। इसमें बोल रहा है कि दो नंबर का पता लगाइए जो कि इस तरीके से है। पहला क्या कंडीशन रख रहा है, सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकेंड, थ्राइस मतलब ट्रिपल इज 92। जैसे मान लो दो नंबर एक्स और वाई है, तो पहले वाले का ट्वाइस अगर करोगे यानी 2x करोगे और उसका सम करोगे दूसरे वाले के थ्राइस के साथ यानी कि 3y के साथ, तो 2x प्लस 3y जो होगा वो 92 आएगा। इतना समझ में आ गया, पहले इक्वेशन बन गया दिमाग में। आगे बढ़ो, फोर टाइम द फर्स्ट एक्सीड्स सेवन टाइम द सेकेंड, यानी कि जो पहला वाला नंबर एक्स है उसको अगर आप फोर टाइम करते हो, फोर एक्स करते हो, और दूसरा वाला नंबर जो वाई है उसको अगर आप सेवन टाइम करते हो यानी कि सेवन वाई करते हो, तो जो फर्स्ट वाला नंबर है ना वो ज़्यादा रहेगा दूसरे वाले से। कितना ज़्यादा रहेगा, टू ज़्यादा रहेगा। तो कभी भी दो नंबर अगर आपस में कोई भी ज़्यादा, से मान लो टेन जो है वो एट से ज़्यादा है, कितना, टू है, तो वो कैसे हम उसको अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, टेन माइनस एट इक्वल टू टू, ऐसे ही लिखेंगे ना। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस करके लिख देंगे, यानी कि पहले नंबर को फोर एक्स माइनस में फिर सेवन वाई इक्वल टू टू, बन गया दो इक्वेशन। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने डायरेक्ट वही चीज़ लिख ली है कि मान लेते हैं नंबर एक्स और वाई है, पहला जो सिचुएशन दिया था कि पहले वाले नंबर का ट्वाइस दूसरे नंबर का थ्राइस करो, दोनों को ऐड करो तो 92 आ जाएगा, तो ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। और उसी तरीके से पहले वाले नंबर का अगर अपन फोर टाइम करते हैं और दूसरे नंबर का सेवन टाइम करते हैं, तो पहला नंबर जो होगा दूसरे नंबर से टू ज़्यादा होगा। तो उसके लिए आप लोग इस तरीके से इक्वेशन बनाओगे, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि टेन जो है वो एट से कितना ज़्यादा है, टू ज़्यादा है, तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है, टेन माइनस एट इक्वल टू टू। तो वैसे यहाँ पर ये बनेगा इक्वेशन नंबर टू। इसको सॉल्व करेंगे हम जल्दी से एलिमिनेशन मेथड से। सेवन और थ्री छोटे छोटे नंबर हैं, दोनों का एलसीएम होता है 23, सॉरी 23 बोल रहे हैं, 21। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को 21 बना देंगे। 21 बनाने के लिए इसमें सेवन का मल्टीप्लाई और इसमें थ्री का करना पड़ेगा, तो यहां पर आप लोग लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाई सेवन एंड इक्वेशन टू बाई थ्री। तो इक्वेशन वन का अगर सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवन टू जाई हो जाएगा 14x प्लस में 21y और इक्वल टू साइड में 92 का जब हमारे पास 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 644 आ जाएगा। उसी तरीके से नीचे में हमारे पास इसका अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 थ्री जो हमारा 12x हो जाएगा, माइनस में 21y हो जाएगा और 2 थ्री जो 6 हो जाएगा। दोनों को आपस में आप लोग ऐड कर दो। ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले से प्लस और माइनस अलग अलग साइन है तो आपस में इकट्ठ हो ही जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ से 14 और 12 हो जाएगा हमारे पास 26x। ये तो हमारा कैंसिल हो गया, खेल खत्म इसका। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 650। उसके बाद x की वैल्यू चाहिए तो 26 इधर ट्रांसफर कर दो, तो 650 डिवाइड बाई हमारे पास 26 हो जाएगा। 13 से कट हो रहा है टू टाइम पे, ये फाइव टाइम पे और ये जीरो उतर जाएगा। उसके बाद टू वन जा टू, टू का टेबल 25 पढ़ने पर 50 आता है, तो x का वैल्यू यहाँ से 25 आ गया, यानी पहला वाला जो हमारा नंबर था वो 25 है। अब दूसरे वाले नंबर को मैं यहीं पर निकाल देता हूँ, पेज वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। एक्स इक्वल टू 25 इन इक्वेशन नंबर हमारा टू, ये छोटा ये इक्वेशन दिख रहा था, मैं टू में इन क्या लिख दिया यार, मैं इक्वेशन लिखना था ना, इक्वेशन नंबर टू में पुट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 25 पुट करूँगा तो 4 इंटू 25 माइनस में 7y इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 100। 100 को ट्रांसफर कर देंगे तो इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 7y इक्वल टू 2 माइनस में 100 हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 98। माइनस से माइनस को कैंसिल करो, y इक्वल टू हो जाएगा 98 डिवाइड बाई 7, तो y इक्वल टू यहाँ से निकल जाएगा 7 जा 7, 2 आगे गया तो 7 4 जा 28, यानी कि दोनों है ना यही होगा ना, हाँ 7 2 जा 28 हो, 7 4 जा 28, तो y का वैल्यू जो होगा 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अगर आप आंसर को चेक भी करना चाहते हो ना तो आप इन इक्वेशंस का यूज करके चेक कर सकते हो। जैसे आप क्या करो, इसका डबल कर दो और इसका ट्रिपल कर दो और दोनों को आपस में ऐड करो, देखना आपका 92 आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आंसर गलत है, अगर एग्जाम में टाइम है तब चेक किया जाता है, और अगर टाइम नहीं है तो बस इतना बनाइए और आगे बढ़ जाइए फटाक से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग भी जल्दी से। सो सिक्स नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि फाइंड टू नंबर्स, फिर से दो नंबर का पता लगाइए जिसमें सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट, यानी पहले वाले का अगर थ्राइस किया जाए, तीन गुना किया जाए, एंड द सेकेंड, और सेकेंड को कुछ नहीं किया जाए बस सम करना है सेकेंड को उसमें, तो 142 आ जाएगा। तो जैसे हमारा पहला वाला को अगर x मानेंगे तो थ्राइस 3x हो जाएगा, उसमें ऐड करना है सेकेंड वाले नंबर को, सेकेंड वाले को y मान लेते हैं, तो 3x में y को ऐड करेंगे तो 142 आ जाएगा, ये पहला इक्वेशन बन गया। एंड फोर टाइम द फर्स्ट, अगर फोर टाइम कर दें हम लोग फर्स्ट वाले का तो वो एक्सीड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा सेकेंड वाले से 138। तो सेकेंड वाले को फिर से यहाँ पर कुछ भी कितना हो टाइम नहीं बोल रहा, बस सेकेंड बोला है ना, इसका मतलब कि सेकेंड वाले से यानी वाई से। तो यहाँ पर हमारे पास 4x माइनस में वाई डायरेक्ट हो जाएगा इक्वल टू 138, फिर वहाँ से सॉल्व हो जाएगा।
तो जैसा मैंने आपको समझाया, यहाँ पर हम लोग एक्स और वाई मान लेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख करके सर जैसे मैं बोला था, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि पहले वाले नंबर का थ्राइस में अगर दूसरे नंबर को ऐड किया जाए, सेकेंड को अगर ऐड करते हैं ना, सम निकालते हैं, तो इतना आता है। और उसी तरीके से पहले नंबर का अगर फोर टाइम किया जाए, चार गुना अगर उसका किया जाए है ना, तो उसमें से अगर हम लोग सेकेंड वाले को माइनस करते हैं तो वो उससे ज़्यादा कितना ज़्यादा हो जाता है, तो 138 ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। दोनों में हमको कुछ भी मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस वाई है, यहाँ पर माइनस वाई है, केवल दोनों इक्वेशन को आप लोग आपस में ऐड कर दो। तो ये हो जाएगा हमारा 7x, ये हमारे पास प्लस वाई और माइनस वाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल की साइड में 8 और 2 10 का 0, कैरी हो गया 1, 4 और 4 हमारा 8 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा 280 डिवाइड बाई 7, कट कर दो यहाँ पर, तो 7 4 जा 28 होता है और ये 0 उतर जाएगा, तो x का वैल्यू 40 आ गया। अब बस इसी x इक्वल टू 40 कहीं पर भी पुट कर दो, तो मैं कहाँ पर पुट कर दूँ भैया, यहाँ पर कर देता हूँ इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू एक्स है, तो 3 इंटू 40 हो जाएगा, प्लस में वाई इक्वल टू साइड में 144, तो ये हो जाएगा हमारे पास 120 प्लस में वाई इक्वल टू 142 है, सॉरी 44 गलती से निकल गया, तो वाई इक्वल टू 142 माइनस में 120, देन वाई इक्वल टू हो जाएगा 22। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना, उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।